नमस्ते, मैं विशाखा गनोरकर इंडिया न्यूज 21 में आपका स्वागत करती हूँ। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती और पशुपालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। यह बात डॉक्टर मांजरेकर ने किसान प्रशिक्षण के दौरान कही। वे कृषि महाविद्यालय आचोई की ओर से आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला का मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। डॉक्टर मांजरेकर रायगढ़ जिले के मसाहा तालुका में कालसुरी, खरसई, सालविंडे, नेवरूल, कणघर, गणेश नगर, कोए, खारगाव, बू, तोनसुरे, साफेवाड़ी व पाष्टी के किसानों के साथ बातचीत करते हुए बोल रहे थे। डॉक्टर बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली संलग्न श्री भैरवनाथ निसर्ग मंडल द्वारा प्रबंधित कृषि महाविद्यालय आचोड़ी महाड़ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली आत्मा रायगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र रोहा और सोशल एनजीओ की ओर से डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण 5 फरवरी को उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र रोहा के सहायक प्रोफेसर श्री सुधाकर पांडेय, श्री महाले, श्री भैरवनाथ निसर्ग मंडल के श्री सुधाकर येवले के साथ ही कृषि महाविद्यालय के अधिकारी, प्राचार्य एवं प्रोफेसर, कृषि पाठ्यक्रम के छात्र मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में मसाहा तालुका के कुल 40 किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। धन्यवाद।